सभी अपनी बीवियों से प्यार करते हैं, पर इन जनाब से नीचे नीचे। अरे भैया, एक ऐसे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं जहाँ ना कोई सरकार से डरता है और ना सरकार किसी से डरती है। पहली बात तो यह है कि खुद सरकार को ही नहीं पता कि वह सरकार है, उसे तो कोई और ही याद दिलाता है कि अब ऐसी हरकत मत करो, अब आप सरकार हो। जो यह बताता है जिसने साजिश की पाकिस्तान में, जिसने पाकिस्तान की मईशत को पंक्चर किया, मुल्क को इक्तसादी बदहाली में फेंका, पाकिस्तान को दोबारा दुनिया में भिखारी बनाया, वो आज मजे से ईवान वजीर आजम में बैठा हुआ है। ये तमाशा पूरी कौम देख रही है। ये मस्नूई बंदोबस्त ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और बिल आखिर अवाम की राय और अवाम का मैंडेट प्रिवेल करेगा और मुस्लिम लीग नून दोबारा इस मुल्क की बाग दौड़ में है और शांत जीवन जी रहे हैं। पाकिस्तान का पूरा विपक्ष जेल में तकिया बिस्तरों की कमी से परेशान है, तो जनाब मीठा लाल की मिठाई में मक्खी ढूंढ रहे हैं। मक्खी मिलेगी या नहीं, पर पाकिस्तान में दो चीज़ें बड़ी चर्चा में हैं। एक है बैंकों में जाली खाते और दूसरे हैं पाकिस्तान एयरलाइन में जाली पायलट। जो कल तक भैंस चराते थे आज पाकिस्तान की एयरलाइन उड़ा रहे हैं। सारी डिग्री जाली, सारे रिकॉर्ड फर्जी। अब ये क्या करें, यह सब खुदा की मर्जी। समोसे बेचने वाले से लेकर कपड़े सीनने वाला दर्जी भी फर्जी। घर में नहीं दाने पर खाते में अरबों रुपए। भैया, इसे कहते हैं पाकिस्तान। मतलब फर्जी आधार पर बना पाकिस्तान आज दुनिया को बता रहा है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, फिर कहता है मैं ऐसा ही हूँ। जब पूरा पाकिस्तान फर्जी निकला तो आईएमएफ वाले भी तुम दबाकर भाग निकले। पाक बोला 17वीं बार तो लोन देना ही पड़ेगा। यह हमारे खून में है कि 18वीं बार हम जीत जाते हैं, यानी अगर लोन मिला तो जनाब खुद आईएमएफ के मालिक बन जाएंगे। नहीं समझे, हम समझाते हैं। चार देशों में घूमकर आए साहब उमैद कुरैशी आजकल ढिंडोटा पीट रहे हैं कि मैंने मोदी से तेज दो दिन में चार देशों की यात्रा कर ली है। अब दुनिया को कौन बताए कि ये जिस देश में गए वहाँ के नेता इन्हें देखकर पहले ही छुप गए, कहीं भीख ना मांग लें। पर जनाब कुरैशी पाकिस्तानियों को सब्जबाग दिखाकर कह रहे हैं आने वाले समय में हम दूसरे देशों को कर्जा देंगे, मगर ये भूल गए जितना इनका बजट है उससे ज़्यादा तो भारत टॉयलेट साफ करवाने में खर्च कर देता है। बहरहाल ये पाकिस्तान है, ऐसी वैसी हरकत ना करे तो इसे पाकिस्तान कौन कहेगा। आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।